अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। अगर हम इलेक्टोरल वोट्स की बात करें तो जो बाइडेन 270 के जादुई आंकड़े के नजदीक नजर आ रहे हैं। फिलहाल बाजी बाइडेन के हाथ लगती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 253 इलेक्टोरल वोट्स जीत चुके हैं, ट्रंप के खाते में 214 वोट हैं। द गार्जियन के मुताबिक ट्रंप को 270 का जादुई आंकड़ा पाने के लिए 53 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए। 4 राज्यों में काउंटिंग जारी है, अगर इनमें से 3 जिसकी संभावना भी है ट्रंप जीत लेते हैं तो वो फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। पेंसिल्वेनिया इनमें से सबसे ज्यादा अहम है, वहीं बाइडेन अकेले पेंसिल्वेनिया को जीतकर बहुमत तक पहुंच सकते हैं। अगर पेंसिल्वेनिया में जीत नहीं मिलती तो बाइडेन अपने गढ़ नेवादा, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना के जरिए व्हाइट हाउस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इनमें से नेवादा छोड़कर हर जगह ट्रंप का दबदबा है। यूएसए टुडे के मुताबिक जो बाइडेन अब तक कुल 264 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं, यानी वो बहुमत के आंकड़े के सिर्फ 6 वोट से दूर हैं। ट्रंप को 214 वोट मिले हैं। वहीं सीएनएन के मुताबिक जॉर्जिया में भले ही ट्रंप के वोट कम हुए हों लेकिन वो अभी भी लीड कर रहे हैं। सीएनएन के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में ट्रंप बुधवार को 6 लाख वोटों से लीड कर रहे थे लेकिन अब ये 50% से भी कम हो गई है, वो करीब 2 लाख वोटों से आगे हैं। हालांकि ज्यादा संभावना यही है कि ट्रंप यहां बाजी मार लेंगे। यही वजह है कि डेमोक्रेट्स इस राज्य के साथ जॉर्जिया की काउंटिंग पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर बाइडेन आगे और ट्रंप पीछे चल रहे हैं। यहां एक दिलचस्प बात और है कि इससे पहले साल 2016 में भी पोल्स और फिर शुरुआती रुझान में डोनाल्ड ट्रंप पीछे नजर आ रहे थे, क्योंकि शुरू में उन काउंटीज के रुझान सामने आए थे जहां हिलेरी क्लिंटन का दबदबा था। लगा कि हिलेरी ने बाजी मार ली है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता रुझान की तस्वीर ही बदल गई थी। चूंकि इस बार कोरोना वायरस का कहर है और इस बीच अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी हो रहे हैं, ऐसे में अर्ली वोटिंग में डेमोक्रेट्स ज्यादा थे क्योंकि उन्हें कोरोना का सबसे ज्यादा डर था, इसलिए उन्हें ज्यादा वोट किया। अब गिनती हो रही है अर्ली वोटिंग की, ऐसे में डेमोक्रेट्स आगे चल रहे हैं और ये बात रिपब्लिकन्स और डोनाल्ड ट्रंप को भी अच्छी तरह से मालूम था, इसलिए ट्रंप पहले से ही ये कह रहे हैं कि इसमें धांधलेबाजी है और सवाल भी उठा रहे हैं।